हेलो एवरीबॉडी, आई नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए जानते हैं डोज में फाइल सिस्टम, यानी डोज के अंदर जो फाइलें बनाई जाती हैं उनके नामों से संबंधित नियम क्या होते हैं और इसका डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम क्या होता है। तो मैं इस पार्ट में आपको नामों से संबंधित नियम बताने जा रही हूँ कि इसकी डायरेक्टरी और फाइल के लिए क्या क्या नियम होते हैं, नाम किस प्रकार से दिए जा सकते हैं और क्या क्या नियम होते हैं, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने जा रही हूँ। तो देखिए, हमारा डोज में फाइल का नाम जब हम देते हैं, फाइल जब हम बनाते हैं, देखिए डोज में आप ऐसे विंडोज की तरह फाइल नहीं बना सकते हैं, वहां पे तो आप टेक्स्ट लिखने वाली ही फाइल बना सकते हैं, लेकिन वो भी आपको ऐसे नहीं खुलती है। डोज में आप एक कमांड लिखते हैं और फिर वही उसी स्क्रीन पे आपकी फाइल का मैटर लिख देते हैं। ये आप जैसे आगे बढ़ेंगे, कमांड्स जब देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो यहाँ बात मैं जो कहने जा रही हूँ वो ये है कि जब हम डोज की फाइल को सेव यानी बनाते हैं, कॉपी कॉन कमांड होता है इसके लिए, कॉपी कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कॉपी और कॉन शब्द काम में लिया जाता है, कॉपी कॉन और फाइल का नाम। तो जब हम फाइल का नाम देते हैं तो फाइल में नियम ये है कि टोटल 8 अक्षर प्रारंभ में, फिर एक डॉट और पीछे 3 अक्षर, यानी कि टोटल 11 अक्षरों तक का नाम हो सकता है मैक्सिमम। आप कम का भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 11। तो ये नाम को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी नेम और एक एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम मीन्स प्राथमिक नाम, और पीछे की तरफ जो लगाया जाता है वो होता है विस्तारित नाम। जैसे मेरा नाम नीता शर्मा है तो कंप्यूटर में मैं जब फाइल, मेरे नाम की फाइल बनाऊंगी तो मैं लिखूंगी नीता.sha। तो नीता डॉट मीन्स बिंदी, फुल स्टॉप जो आप लगाते हैं। तो डॉट जो है प्राइमरी नेम को और विस्तारित नेम को, यानी प्राइमरी को और एक्सटेंशन नेम को जोड़ता है। और एक्सटेंशन नेम जो है वो एक तरह से हमारी, जैसे मेरा नाम शर्मा मेरी जाति की पहचान है, ऐसे ही विस्तारित नाम जो होता है वो फाइल के प्रकार की पहचान होता है। जैसे आपने देखा SYS सिस्टम फाइल के लिए लगाए जाते हैं, TXT टेक्सचुअल फाइल के लिए लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा आजकल आपकी GIF फाइल आ रही है, बहुत सारे मतलब इस तरीके की फाइल होती हैं, तो जिनके विस्तारित नाम से ये पता लग जाता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। तो डोज में ये जो नाम है प्राइमरी नेम, विस्तारित नाम जो है केवल 3 अक्षर का होना चाहिए, 3 अक्षर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए एक नियम हो गया। और एक बात ये हुई कि नाम दो भागों में बटा हुआ होता है, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। तीसरी बात ये हो जाती है यहाँ पे कि प्राइमरी और एक्सटेंशन नेम को डॉट, यानी इसको पीरियड भी बोलते हैं, इस साइन द्वारा जोड़ा जाता है। चौथी बात हो जाती है कि डॉट में और नेम में, प्राइमरी नेम में और एक्सटेंशन नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्रमबद्ध होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि टोटल फाइल का नाम 11 अक्षर का होता है, जिसमें से 8 अक्षर प्राइमरी में और 3 अक्षर एक्सटेंशन में और बीच में डॉट। तो जो आप फाइल का नाम देते हैं यानी प्राइमरी नेम जो होता है, इसमें किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, स्पेस भी इसमें नहीं होना चाहिए, यानी पूरे नेम में हम कहें कि स्पेस भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सोचूं कि मैं N और स्पेस SHA नाम कर दूं तो नहीं किया जा सकता है, मेरा बिना स्पेस के मुझे नाम लिखना होगा। और केवल अंडरस्कोर साइन का हम फाइल के नामों में प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर वो शब्द, वो आइकन जो आप, मतलब वो चिन्ह जो आप आपके जो ईमेल एड्रेसेस में लगाते हैं, जैसे M_EDRO
यानी नीचे की तरफ डैश छोटा वाला, जो कि हमारे प्लस साइन के पास वाली कीज में बराबर के इस तरफ जो की होती है डैश वाली, उसको शिफ्ट के साथ दबाने से बनता है, तो उस साइन का हम प्रयोग कर सकते हैं अंडरस्कोर का। बाकी हम किसी भी साइन का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। एक हम इसका शुरू में भी हमें अंडरस्कोर का प्रयोग मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम फाइल, कंप्यूटर की जितनी भी सिस्टम फाइल होती है यानी कंप्यूटर की जो आवश्यक फाइलें होती हैं, उन सब का नाम इससे प्रारंभ होता है। तो अगर हम अपने फाइलों के भी नाम ऐसे देंगे तो फिर वो जो है मिक्स हो जाएगी सिस्टम फाइलों के साथ, तो कभी हमसे गलती से वो आवश्यक फाइल्स भी डिलीट हो सकती है। इसलिए हम अंडरस्कोर से भी अपनी फाइल के नाम प्रारंभ नहीं करते हैं, बीच में कहीं भी हम अंडरस्कोर डाल सकते हैं। दूसरा, प्राइमरी नेम या नेम हमारा नंबर से भी प्रारंभ नहीं हो सकता। जैसे आप देना चाहें कि मैं नाम दे दूं वन नीता डॉट टीएक्सटी, तो ये नहीं दिया जा सकता है। प्रारंभिक अक्षर उसका अल्फाबेट होना चाहिए, यानी करेक्टर होना चाहिए। डॉट और एक्सटेंशन नेम के बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और प्रारंभिक नेम में कम से कम एक अक्षर तो जरूर होना चाहिए, यानी आप बिना अक्षर लिखे और सीधा दे दे वन डॉट टी एक्स टी, तो ये नहीं होगा। डॉट टी एक्स टी भी नाम गलत है, आपको ए वन डॉट टी एक्स टी आप नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है हमारे फाइल के नाम से संबंधित नियम हो गए। और आप देखेंगे आगे चल के कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें वेरिएबल्स जब बनाते हैं तो उनके नामों के नियम भी लगभग ये ही होते हैं, और हमें इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे तक सब जगह हम प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि डोज और डायरेक्टरी और फाइल में क्या अंतर है। तो देखिए, डायरेक्टरी में जो है एक्सटेंशन नेम नहीं होता। डायरेक्टरी का नाम आप रख सकते हैं 8 अक्षर तक का भी, और बड़ा भी रख सकते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक टाइल्ड सिंबल लगा के उसको शॉर्ट कर देता है कंप्यूटर, लेकिन उसमें विस्तारित नाम नहीं होगा। आप कैसे पहचानेंगे ये डायरेक्टरी है, तो उसके पीछे विस्तारित नाम नहीं होगा, वो केवल एक ही नाम उसके अंदर होगा। और नामों के नियम वही है, उसमें डॉट वगैरह नहीं लगाया जाएगा, स्पेस वगैरह नहीं लगाया जाएगा। तो हम देखें फाइल में और डायरेक्टरी में अंतर क्या होता है। तो डायरेक्टरी क्या होती है कि जैसे आप लोग कंप्यूटर में आपके विंडोज में काम करते हैं तो वो पीले कलर के सूटकेस टाइप के आइकन बने हुए होते हैं, जिन्हें आप फोल्डर्स बोलते हैं, उन्हीं को डॉस में डायरेक्टरी कहा जाता है। और जिस प्रकार से फोल्डर का प्रयोग आप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टरी में हम फाइल को रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टरी में हम फाइल का मैटर लिख नहीं सकते। यानी फाइल हम अलग कमांड से बनाते हैं, डायरेक्टरी अलग कमांड से बनाते हैं, और फाइल को बनाने के बाद हम एक डायरेक्टरी में रख सकते हैं या फाइल को हम एक डायरेक्टरी में जाके बना सकते हैं, लेकिन हम फाइल के कंटेंट्स को डायरेक्ट डायरेक्टरी में नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्टरी मीन्स होती है दराज जिसके अंदर फाइल को रखा जाए, ना कि टेक्स्ट को रखा जाए। टेक्स्ट तो कॉपी में लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से डायरेक्टरी जो होती है एक तरह से एक स्पेस है, एक खांचा है जहां पे हम फाइल्स को रख सकें। आप चाहें तो मैं फैला के भी मतलब यहाँ पे 8-10 फाइलों को रख सकती हूँ, तो मुझे जब ढूंढनी होगी, एक तो मेरी मेज भर जाएगी, दूसरा मुझे ढूंढनी होगी तो 10 को उठा उठा के मुझे देखना पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए डायरेक्टरी या फोल्डर बनाए जाते हैं, ताकि फोल्डर पे लेबल लगा के लिख दिया जाता है कि इसमें मेरी इससे संबंधित फाइल है, इस वाली ड्रॉअर में मेरी इससे संबंधित फाइल है। तो इस प्रकार से डायरेक्टरी हमारी फाइल्स को सुरक्षित रखती है और ढूंढने में भी आसानी होती है, और हमारी मेज पे यानी हमारे जो डेस्कटॉप पे हमारी लिस्ट जहाँ से हम देखते हैं जहाँ सारी फाइलें रखी हुई, वहाँ पे कचरा भी इकट्ठा नहीं होता है, ढूंढने में भी आसानी होती है। तो ये अभी हमने देखा डायरेक्टरी और फाइल में अंतर, और आप अब तो समझ भी चुके होंगे कि डायरेक्टरी को ही हम वहाँ फोल्डर बोलते हैं और यहाँ हम डॉस में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हमने यहाँ फाइल के नामों से संबंधित नियम भी देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम एक तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय, थैंक यू.